नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रहेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के, यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। बीएड फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट रहता है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट वाइज 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो रहता है वो आपका यह है कि शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य क्या संबंध है, अधिगम के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लर्निंग। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, डिफाइन द एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक ही आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं निष्कर्षों का प्रयोग कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग एंड द थ्योरीज ऑफ द साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, डिस्कस, है ना। या फिर आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को उत्तम अध्यापक ही नहीं बनाता वरन प्रभावशाली शिक्षण के लिए ज्ञान भी प्रदान करता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। द नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी नॉट ओनली मेक अ गुड टीचर बट आल्सो गिव्स अ नॉलेज फॉर अ इफेक्टिव टीचिंग, डिस्कस, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि विशिष्ट बालकों का संप्रत्यय क्या है, इसके प्रकार एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हैं, विवेचना कीजिए। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एक्सप्लेन इट्स द टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जाती है, पिछड़े बालकों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधान का वर्णन कीजिए। हाउ कैन अ बैकवर्ड चाइल्ड बी आइडेंटिफाई, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड, डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन फॉर द एजुकेशनल ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि प्रभावशाली बालक कौन होते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। हाउ आर गिफ्टेड चिल्ड्रन, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर देयर एजुकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शिक्षा व मनोविज्ञान का संबंध लिखिए, राइट द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मनोविज्ञान में शिक्षा के सिद्धांत व व्यवहार पर प्रभाव का उल्लेख कीजिए, इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका यह है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार बताइए, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक कौन है, उनकी शिक्षा हेतु कौन कौन से उपचार कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, हु इज़ एजुकेशनल बैकवर्ड चाइल्ड, व्हाट रेमेडियल प्रोग्राम्स शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि मानसिक रूप से मंद बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि अपराधी बालक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डेलिक्वेंट चाइल्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है और ये इस बार आया भी था, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। तो यही थे आपके ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इन 6 दिनों के अंदर अंदर आपके जितने भी ये 3 क्वेश्चन बैंक बचे हैं इनको फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, 6 दिन के अंदर अंदर कोशिश करूंगा मैं ये तीनों क्वेश्चन बैंक आपके फिनिश करने की, कंपलसरी वाले। एक तो मैंने आपका कराई दिया है ऑलरेडी, 3 बचे हैं, तो तीनों क्वेश्चन बैंक आपके 6 दिन के अंदर फिनिश करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि उसके बाद आपके गैस पेपर भी स्टार्ट करने हैं और गैस पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। गैस पेपर के अंदर वही मैं 12 से 15 क्वेश्चन आपको बताता हूँ और उनमें से आपका पेपर 92-95% आपका देखने को मिलता है। तो चलिए, ध्यान रखिएगा अपना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और अपने घर वालों का, अपना खुद का भी ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।